नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन बैंक अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। बता दें, इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आवेदन में जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका ₹500 शुल्क लगेगा। एससी एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल 1500 पद पर भर्ती होगी, जिसकी अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप सरकारीRESULT.com, RozgarRESULT.com और उनके नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग जिले का अलग अलग डिटेल जो है उपलब्ध है। योग्यता इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री है। तो आप चलिए आपको बताते हैं इसका आवेदन आप कैसे करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, सरकारीRESULT.com और RozgarRESULT.com पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ येलो कलर से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। दोबारा नाम आपको कंफर्म करना है, केवल पहला नाम। अगर आपका नाम मिडिल नेम या लास्ट नेम कुछ है, मान लीजिए जैसे मेरा नाम है सुरेश, अगर आपका नाम है सुरेश कुमार सिंह तो मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको छोड़ देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है डालिए। दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी आपकी कहाँ पर बनी है वो डालनी है। यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को एज इट इज यानी कि इसी तरह करना है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे करना है, उसके बाद ही आपका ये फॉर्म खुलेगा। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको कंप्यूटर से भर रहे हैं तो तुरंत ही इसको जो है कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको इसमें फोटो लगानी है, बता दें स्कैन फोटो लगानी है और स्कैन सिग्नेचर लगाना है। फोटो और सिग्नेचर लगाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट, मान लीजिए रिसाइजिंग में दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट सरकारीRESULT.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे अपना जो आपका सिग्नेचर है या फोटो जो भी ना लग रही हो, यहाँ पे इसको अपलोड करना है। मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपलोड करने पर यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम साइज का ऑप्शन है, इसमें कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बैंक फोटो बैंक सिग्नेचर के नाम से सेट है, आप यहाँ से कर सकते हो। और आपको कस्टम विडो और पिक्सल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अपलोड करेंगे जो आपका एक्चुअल साइज होगा, फोटो का विडो और हाइट दोनों यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको जो है जो भी साइज में आपको सेट करना सेट कीजिए, रिसाइज करके डाउनलोड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करें। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैंने यूपी के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और जो पेपर है वो मैंने इंग्लिश एंड हिंदी में सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आती है कि नहीं, जिस भी आपने स्टेट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे पूछा है कि आपने 10th या 12th में उस संबंधित लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको तीन डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। तो मैं जैसे आगरा का रहने वाला हूँ तो मैंने पहले आगरा ले लिया है, दूसरा मैंने अलीगढ़ ले लिया है, तीसरा मैंने अयोध्या ले लिया है। ये आपकी चॉइस है, आप तीन डिस्ट्रिक्ट कौन सी लेते हैं। कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू, वो कैटेगरी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका कोई दिव्यांग या विकलांगता वगैरह तो डालिए, नहीं तो सिंपली आपको उसको स्किप कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है कि आप 1984 राइट्स से प्रभावित तो नहीं है, आपका जो रिलीजियस है वो क्या है, आपकी जो कम्युनिटी है वो तो नहीं है, कोई आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग तो नहीं करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, जैसे आप जैन है मुस्लिम है तो आप उसमें दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, अगर आपका नेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नेट्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नेट्स का अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो कहाँ पे चाहिए स्टेट का वो डालना है। नेक्स्ट आपको जो सेंटर का डिटेल्स है वो डाल देना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि डालनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी जन्मतिथि डाल देता हूँ। जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ पे आपकी एज जो है कैलकुलेट कब से हो रही है वो आ जाएगा, कितनी एज है वो भी आ जाएगा। पूछा कि आप टू इंसानी जुड़वा भाई बहन तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है। नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डालना है। नेक्स्ट माता का नाम डालना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम डालना है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डालना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है।
स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो फीस है वो आपको किस एड्रेस पे चाहिए, तो मेरा दोनों एड्रेस सेम है तो मैं किसी भी सेलेक्ट कर देता हूँ। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे वैलिडेट का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर टिक करना है। अगर कुछ भी छूटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर से मार्क होकर, अगर सब कुछ सही है तो देख सकते हैं इस तरीके से वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। वेरीफाइड सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर प्रेस करना है। जैसे आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। आपका क्वालिफिकेशन आर्ट, साइंस, कॉमर्स किस भी स्ट्रीम से, स्ट्रीम का यहाँ पे आपको चयन करना है। नेक्स्ट आपको जो पासिंग डेट डालनी है, ये पासिंग डेट आपको बता दे, आपकी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट पर जो है आपको मिल जाएगी। परसेंटेज यहाँ पे आपको सेट कर देना है, डिवीजन डाल देनी है, जो भी डिवीजन है आपकी, कोई आपका एक्सपीरियंस वगैरह है या कुछ आपने कोई ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप वगैरह की है तो यहाँ पे आप जो इसको डाल सकते हैं, नहीं किए तो सिंपली आपको नो कर देता है, कर देना है। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, रीड राइट स्पीक, जैसे मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैंने दोनों पे जो है रीड राइट स्पीक पे जो टिक कर दिया। अगर आपको कोई और थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो आप उसका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है, तो पहले वैलिडेट करके चेक करते हैं, देख सकते हैं वैलिडेट हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करना है, आई एग्री पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कुछ भी प्रीव्यू में आपको गलत दिखाई देता है तो पहले बैक करके उसको सुधार कीजिए, उसके बाद ही आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मेरा सब कुछ सही है, मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन लगाना है। हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन में क्या लगाना है मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं अपलोड करना है, साथ ही साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ही लिखना है, आई लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। इस तरीके से आपको जो है लिखना है एक ब्लैंक पेपर पे, तो उसको लिख के फिर आपको अपलोड करना है, तो मैंने लिख लिया है, तो चलिए अपलोड करते हैं। फोटो सिग्नेचर जैसे ही आपका जो है थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड होगा, यहाँ पे फीस पेमेंट, क्योंकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का फीस पेमेंट है, यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, बता दिस का पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे इस कैप्चा को डालना है और सबमिट करने के बाद अपनी पेमेंट डिटेल डाल के कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको री लॉगिन करना पड़ेगा वही आईडी पासवर्ड डाल के, फिर यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हैं और पेमेंट की रसीद आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जिन अभ्यर्थी का एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है उनको पेमेंट नहीं करना होगा, यहाँ से सीधा सबमिट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।